हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि मकर संक्रांति का त्योहार हम कैसे मनाते हैं, और आप लोगों से ढेर सारी बातें भी करेंगे। तो आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो फ्रेंड, जैसे कि मकर संक्रांति का त्योहार आ गया है, आज मकर संक्रांति है, और मकर संक्रांति पे हम लोग खिचड़ी बनाते हैं। और हमारे यहाँ मकर संक्रांति पे गंगा स्नान का बहुत ही ज्यादा महत्व है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो कि तीर्थों पे जाते हैं, मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करते हैं, और जो लोग नहीं जा पाते हैं वो लोग अपना घर में ही गंगा जल, हर किसी के घर में होता है। जब हम लोग स्नान करते हैं तो उसी में एक दो बूंदे गंगा जल की डाल लेते हैं और स्नान करते हैं। तो इस टाइम तो कोरोना वायरस का समय चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, तो इसलिए कहीं बाहर जाना आना नहीं हो पाएगा। सभी लोग अपने घर से ही गंगा मैया का नाम लीजिए और घर में स्नान करिए। गंगा जल जब भी स्नान करें पानी में डाल लीजिए और स्नान करिए। मकर संक्रांति के दिन सबसे पहले हमारे घर में सुबह सुबह साफ सफाई की जाती है। साफ सफाई करने के बाद उड़द की दाल की खिचड़ी हम बनाते हैं। चावल और उड़द की दाल को अच्छे से साफ करके उसको पूरा उसकी सफाई करके बीन बीन के अच्छे से रख लेते हैं, और फिर पंडित के लिए हम लोग निकाल देते हैं, जो कि हमको दान भी दिया जाता है। इस दिन कहते हैं मकर संक्रांति के दिन दान भी किया जाता है। दान करने से बहुत अच्छा फल मिलता है, तो इसलिए खिचड़ी बनाने से पहले हम दान के लिए, पंडित के लिए जो हमें दान देना रहता है, उसी खिचड़ी में से हम पंडित के लिए भी निकालते हैं, उसमें पैसे रखते हैं, और सीधा जैसे दिया जाता है उसी तरह से सीधा पूरा लगा के पंडित जी को, पंडित जी के नाम से रख दिया जाता है किनारे, क्योंकि पंडित जी हमारे यहाँ आते हैं घर पे। तो जब वो आते हैं तब उनको देते हैं। खिचड़ी के दिन वो सुबह नहीं आ पाते हैं तो शाम तक वो जरूर आ जाते हैं, तो इसलिए हम सुबह अपना निकाल देते हैं, और उसके बाद जब शाम को पंडित जी आते हैं तो उनको देते हैं। पंडित जी का सीधा निकालने के बाद ही घर में खिचड़ी पकाई जाती है। खिचड़ी जब पक जाती है तो सभी लोग एक साथ बैठ कर दही घी चटनी अचार जिसको जिस चीज से के साथ अच्छा लगता है वो लोग अपना उसी के साथ खाते हैं खिचड़ी। बड़ा ही आनंद आता है। बेटियों के ससुराल में यहाँ से खिचड़ी भिजवाई जाती है, त्योहारी दी जाती है, और बेटियां खिचड़ी के दिन अपने मम्मी पापा के घर आती हैं, खिचड़ी खाती हैं, और पूड़ी पकवान भी बनता है। जो भी मेहमान आते हैं उनके लिए पूड़ी पकवान बनाया जाता है। इस तरह से हम लोग बड़े ही धूमधाम से मकर संक्रांति का त्योहार मनाते हैं। आप लोग मकर संक्रांति का त्योहार कैसे मनाते हैं मुझे जरूर बताना। कहा जाता है हिंदू धर्म में कथाएं प्रचलित हैं, बहुत सारी कथाएं हैं जिनमें बताया गया है कि मकर संक्रांति के दिन ही गंगा मैया धरती पे आई थी, और जो है भगीरथ के जो पूर्वज थे भगीरथ की वजह से जो है गंगा मैया धरती पे आई थी, और भगीरथ के जो भी पूर्वज थे वो तर गए थे, तो इसीलिए इस दिन गंगा स्नान करने का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। गंगा स्नान करना चाहिए। कहते हैं कि गंगा स्नान करने से पाप भी कटते हैं, और दान पुण्य भी करना चाहिए। इस दिन दान पुण्य भी किया जाता है। जब हम छोटे थे फ्रेंड्स, तब हम मकर संक्रांति के त्योहार का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते थे, क्योंकि हम अपनी बुआ का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते थे। अपनी बुआ से हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं अभी भी, क्योंकि हमारी एक ही बुआ है और हमको वो बहुत प्यारी हैं। तो हम अपनी बुआ का बहुत इंतजार करते थे कि खिचड़ी पे हमारी बुआ घर आएंगी और हमसे मिलेंगी, तो हम ढेर सारी बातें करेंगे। उनके साथ हम घूमने जाया करते थे, खेतों पे जाते थे, हमारे खेत भी थे तो हम जाते थे अपनी बुआ के साथ घूमने। ऐसे तो हम जाते नहीं थे कभी, जब हमारी बुआ आती थी तभी हम जाया करते थे। तो हमको मकर संक्रांति पे अपनी बुआ का बहुत ही ज्यादा इंतजार रहता था। बुआ के साथ हम लोग चने के खेत में जाते थे और वहां पर चने का साग भी खाते थे। हम लोग कहते थे कि चने का साग मकर संक्रांति के दिन खाने से दांत मजबूत रहते हैं, तो इसलिए हम बुआ के साथ चने का साग खाने जाते थे, बहुत मस्ती करते थे। बहुत सारे बच्चे जाते थे हम लोगों के साथ, हमारी सारी सहेलियां भी जाती थी, तो बहुत अच्छा लगता था। बुआ के साथ हम लोग चना का साग भी खाते थे और पापा जी के लिए लेके आते थे तोड़ के, तो पापा हमारे बहुत खुश होते थे। पापा को हमारे बहुत पसंद था चने का साग। अब पापा हमारे नहीं हैं, तो हम जब भी चने का साग देखते हैं तो हमको अपने पापा की बहुत याद आती है। पापा हमारे नमक मिर्चा लगा कर चटनी के साथ चने का साग बड़ी शौक से खाते थे, उनको बहुत अच्छा लगता था। आप लोगों ने चने का साग खाया है कि नहीं खाया है मुझे जरूर बताना फ्रेंड्स। आपने देखा होगा कि मार्केट में छोटे छोटे से किले
बिकते हैं मार्केट में, जहां पे सब्जी उब्जी बिकती है वहीं पे चने का साग भी बेचते हैं। इतने इतने छोटे छोटे से किल्ले रहते हैं चने के, जो चने का पेड़ रहता है उसका जो ऊपर का किल्ला होता है उसी को हम लोग चने का साग कहते हैं। तो किल्ला किल्ला तोड़ के जो खाया जाता है, उसके अंदर अगर आप लहसुन और धनिया की चटनी मिलाकर खाएंगे तो वो आपको बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। और मकर संक्रांति के दिन तो हम उसको ढूंढते हैं कि वो कहाँ मिलेगा, सब्जी मंडी में देखते हैं। अगर एक दिन पहले हमारा जाना होता है मार्केट तो हम एक दिन पहले ले आते हैं, और अगर एक दिन पहले नहीं तो हम मकर संक्रांति वाले दिन ही चने का साग ढूंढते हैं, जरूर खाते हैं उसको। ऐसा कहा जाता है कि चने का साग खाने से दांत मजबूत होते हैं, तो हम लोगों की परंपरा है। हमारे मायके में भी ऐसा ही कहते थे तो हम लोग खाते थे। और यहाँ भी जैसे ससुराल आए हैं तब यहाँ भी हम तलाश में रहते हैं कि हमको चने का साग थोड़ा सा मिल जाए, और अगर मिल जाता है तो फिर आनंद और भी ज्यादा आ जाता है। खिचड़ी खाते हैं और उसके बाद चने का साग भी हम लोग बड़े चाव से खाते हैं। अब मकर संक्रांति पे बुआ आती भी हैं तो मम्मी के घर पे आती हैं, हमारे यहाँ आती नहीं है। अगर हमारा जाना होता है मम्मी के घर तो हम जाते हैं और वहाँ पे बुआ से भी मिलते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम नहीं जा पाते हैं, अगर बच्चों के टेस्ट वगैरह चल रहे होते हैं तो हम नहीं जा पाते हैं, तो बुआ से भी मुलाकात नहीं हो पाती है। लेकिन जब शादी नहीं हुई थी तो अलग ही बात थी, बुआ का इंतजार रहता था और अब रहता है, अभी इंतजार रहता है कि जाएंगे मकर संक्रांति पे तो मिलेंगे। लेकिन कभी कभी होता है कि टाइम नहीं मिल पाता है और हम नहीं जा पाते हैं या वो नहीं आ पाती हैं। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि बुआ त्योहार पे नहीं आती हैं। और इस बार का हमारा त्योहार कुछ ऐसा रहा कि इस बार हमारी बहन को बेटी हुई है, जिसकी वजह से हम सभी लोग घर ही पे हैं। मम्मी तो हॉस्पिटल में है, हम लोगों का भी हॉस्पिटल में आना जाना लगा हुआ है। तो मकर संक्रांति इस बार हम लोगों की ऐसे ही निकल जाएगी, मम्मी के घर भी नहीं हम लोग जा पाएंगे। सब लोग अपने अपने घर पर ही मकर संक्रांति का त्योहार मनाएंगे, क्योंकि अभी हमारी बहन की थोड़ा तबीयत सही नहीं है, वो अभी एडमिट है, उनका सीजर हुआ है, तो वो इसीलिए अभी 5-6 दिन हॉस्पिटल में रहेंगी। उनकी बिटिया भी छोटी सी है, अभी बिटिया छोटी है, बिटिया की भी देख रेख करनी रहेगी। तो सब लोग हॉस्पिटल में लगे हुए हैं। इस बार हम लोग खिचड़ी का त्योहार ऐसे ही मनाएंगे, लेकिन सब लोग बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे यहाँ छोटी बिटिया आ गई है, तो इसी वजह से सब लोग बहुत खुश हैं। मकर संक्रांति का त्योहार हम लोग मम्मी के घर पे अगले साल मनाएंगे, तब तक हमारी बिटिया भी 1 साल की हो जाएंगी। तो इसी तरह हम लोग मकर संक्रांति का त्योहार मनाते हैं फ्रेंड। और दान पुण्य भी करना चाहिए, इस दिन दान पुण्य भी किया जाता है। तो आप सभी लोग बड़े ही प्रेम से मकर संक्रांति का त्योहार मनाइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करिएगा फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।